नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 को लेकर थ्रू नीट स्कोर 2024, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है नीट का। तो आप कैसे, कितने स्कोर अगर आपका आया है तो आपके लिए चांसेस 100% है बीएससी नर्सिंग पाने के लिए। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, और कॉलेज लिस्ट कौन कौन सी है, और किसमें आपको एक अलग से फॉर्म भरना होगा और किसमें नहीं भरना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है। सबसे पहले आप कॉलेज लिस्ट देख लीजिए यहाँ पर। और जो कॉलेज लिस्ट है इसमें आपको टोटल 17 कॉलेज मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। यानी आपका जो नीट स्कोर है वही काफ़ी होगा, इस नीट स्कोर 2024 का जो है वही काफ़ी है। इसके लिए आपको अलग से, इन 17 कॉलेजेस के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना। अब ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाएगी इन सभी 17 कॉलेजेस के लिए। तो आइए एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर पहला कॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि है कर्नाटका में है। दूसरा कॉलेज ये दिल्ली में है, जो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। फिर आरएमएल है जो कि दिल्ली में ही है, और ये नाइटिंगेल फ्लोरेंस करके ये भी दिल्ली में है, और ये एलएचएमसी न्यू दिल्ली में है। फिर उसके बाद आप छठा कॉलेज देख लीजिए। छठा कॉलेज जो आपको मिलेगा वो भी आपका दिल्ली में ही है, ये राजकुमारी अमृत कौर करके कॉलेज है। फिर इसी में सफदरगंज हॉस्पिटल का है, दिल्ली का है। और फिर आपको यहाँ पर एक ये बीएचयू मिलेगा जो यूपी से है, ये बीएचयू मिलेगा, ये आपका यूपी से है। तो ये आपको एक कॉलेज मिल जाएगा यहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर, और उसके अलावा कॉलेज भोपाल का एक कॉलेज मिलेगा, यानी मध्य प्रदेश का एक कॉलेज आपके पास हो जाएगा यहाँ पर। ये कॉलेज एक कौन सा हो जाएगा, ये एक एमपी का कॉलेज। ये इसके ऊपर आपका जो कॉलेज था वो एक यूपी का था, बाकी ये सब दिल्ली के थे। तो ये सारे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। और यहाँ पर उसके बाद एक आपको यहाँ पर फिर से दिल्ली का मिलेगा, और यहाँ पर स्टेफेंस हॉस्पिटल जो मिलेगा वो भी दिल्ली का है, और एक अलग से हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली का है। फिर उसके बाद 12 और 13 नंबर पर दिल्ली का, 14वें नंबर पर भी दिल्ली का, और 15वें नंबर पर दिल्ली, और फिर एक बेंगलुरु कर्नाटक का आपको यहाँ पर फिर से मिलेगा एक यहाँ पर आप देख लीजिए, और फिर एक कर्नाटका का। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि बिना किसी, अब अगला फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सेंट्रलाइज काउंसलिंग इनके लिए हो जाएगी। और इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको फॉर्म भरना है, उसमें आपको एक जिपमर मिलेगा, एक आपको जिपमर का फॉर्म मिलेगा, वो आपको अलग से भरना होगा। एक आपको एमएनएस का फॉर्म है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के, उसके करीब 4-5 कॉलेजेस होते हैं जो एमएनएस के तहत आते हैं, उसका आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये जो कॉलेजेस हैं इनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। उसका फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप डायरेक्टली उस फॉर्म को भरेंगे। और उनमें जैसे इसमें है पर्टिकुलर, तो आपको कोई परीक्षा अगली नहीं देनी है, स्कोर कार्ड नया फॉर्म भरेंगे, स्कोर कार्ड से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अलग से एग्ज़ाम भी देना होगा, तभी केवल शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप अलग से एग्ज़ाम देंगे तो एमएनएस में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये क्लियर हो गया प्रोसीजर, आप आगे का समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के लिए। तो यहाँ जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ की जो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, उसमें हम अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व में मान के चलिए जो इन कॉलेजेस में है, तो वो जो है करीब करीब 500 प्लस, क्योंकि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा होता, तो ये हम बात ऑल इंडिया कोटा की कर रहे हैं। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हम बात करें, तो ये आपका 400 जो है करीब 40 के आसपास यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर जो ओबीसी की हम बात कर, जो अनरिजर्व की बात हम कर रहे थे, उसमें हमने आपको बताया कि करीब करीब 500 प्लस होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के लिए। और उसके लिए आपको ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो है 450 सीट्स जो हैं आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, 450 स्कोर प्लस होना चाहिए। इसी तरीके से एससी के लिए अगर आप देखें, तो एससी के लिए आपको करीब करीब जो है 400 के आसपास हो ऑल इंडिया कोटा में। और उसी तरीके से EWS भी इतना ही लगभग रहेगा, 400 के आसपास ही रहेगा EWS भी रहेगा। और इसी तरीके से ST का भी जो आपका रहेगा, वो भी आपका जो है करीब करीब 350 के आसपास रहेगा। अब इसी में अगर आप स्टेट कोटा ले लें, आप उसी स्टेट से आते हैं, तो इसमें प्लस माइनस आप जो है करीब करीब 30 कर सकते हैं सभी में।
जितने भी हैं सभी में जो है आप 30 जो है माइनस 30 प्लस क्या प्लस की बात नहीं है यहाँ पर, माइनस 30 आप कर सकते हैं, 30 नंबर सभी में आप माइनस कर सकते हैं, ये स्टेट कोटा आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 30 नंबर आप इन्हीं सभी नंबर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, वही कट ऑफ लगभग ये जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, यानी आपको जो है 17 कॉलेजेस हमने आपको दिखाए, इनके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, केवल आपको जिपमर का है जो फॉर्म जो है जिपमर का जो रहेगा वो, और एक एमएनएस का जो है ये फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको एक एग्ज़ाम अलग से और देना पड़ेगा। तो क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।